कुछ तो खास करो, आपको कुछ भी ज्यादा धंधे में कमी नहीं हो रही है, कुछ कमी करनी हो तो कुछ तो खास करो। Xiaomi ने रिसेंटली अपनी Redmi 6 सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें कि Redmi 6, Redmi 6 से और Redmi 6 Pro देखने को मिला था। लेकिन अभी लीक सामने आ चुकी है कि Redmi की Xiaomi अपनी Redmi 7 सीरीज लॉन्च करने वाली है, जिसमें कि Redmi 7, Redmi 7A और Redmi 7 Pro आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में हमको इसी के बारे में बताते हैं कि आखिर क्या इसकी लीक सामने आई और क्या इस फोन की स्पेसिफिकेशंस होने वाली है। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम केवल Redmi 7 Pro के बारे में डिस्कस करने वाले, उसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। टेनल लिस्टिंग ने कंफर्म कर दिया है कि Xiaomi का Redmi Note 7 Pro आपको Xiaomi की Redmi Note 6 Pro के जैसे ही आपको डिजाइन में देखने को मिलेगा। सिर्फ केवल आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाली है, वो भी व्हाइट कलर में। पीछे की तरफ भी आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा, वही रियर कैमरा, वही रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर बीच में और कैमरा कॉर्नर पर देखने को मिलेंगे। हाँ, तो डिजाइन तो बिल्कुल आपको वैसा ही देखने को मिलने वाला है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब चलिए हम इसके आगे स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो टेनरेशन ने कंफर्म कर दिया कि इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं। टेनरेशन सबसे पहले ये कंफर्म किया है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा 19:9 का स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा, 5.84 इंच की आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हाँ, तो कैमरा भी बिल्कुल Xiaomi के Redmi 6 Pro के जैसे ही देखने को मिलने वाला है। ये भी कंफर्म बात नहीं है कि आपको वही कैमरा देखने को मिलेगा, कुछ इंप्रूवमेंट भी हो सकते हैं कैमरे में और हम चाहते भी कि कुछ कैमरा में इंप्रूवमेंट हो। हाँ, तो इसके थोड़े बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको बहुत कम बैटरी देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको 2900 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। Xiaomi के Redmi Note 6 Pro में आपको देखने को मिली थी 4000 mAh की बैटरी, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगी केवल 2900 mAh की। ये एक इसका लूज पॉइंट होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको अच्छी बैटरी देखने को मिली थी। इसमें आपको 2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलेगा, मीडियाटेक का आएगा या फिर कौन सा आएगा, क्वालकॉम का आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और हाँ, इसमें आपको 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे छोटा होगा 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा होगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और सबसे बड़ा वाला आएगा वो है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें आपको एंड्रॉइड का 9.0 पाई देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 10 पर बेस्ड रहेगा। हाँ, तो इन सभी स्पेसिफिकेशंस को देखने दीजिए तो पता चल रहा है कि आपको Xiaomi के Redmi Note 7 Pro में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, वही सब फीचर जो Redmi Note 6 Pro में। Xiaomi कुछ तो खास करो, आपको कुछ भी ज़्यादा धंधे में कमी नहीं हो रही है, कुछ कमी करनी हो तो कुछ तो खास करो। अब इसकी प्राइस और रिलीज डेट की बात कर लेते हैं। हाँ, तो कुछ खुफिया सूत्रों से पता लगा है कि यह फ़ोन जनवरी 2019 में लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसकी कंफर्म डेट क्या है लॉन्च की वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन वो आते हैं हम आपको बता देंगे। हाँ, तो अब इसके प्राइस की बात कर ले तो इसका जो बेस वेरिएंट है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस होने वाली है 11,000 रुपये, और उसका जो सबसे बड़ा वाला मॉडल है उसकी प्राइस होने वाली है 15,000 रुपये के आसपास, जो कि इंडिया करेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में तय दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज। तो फिलहाल के वीडियो में तय, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको कुछ सुझाव नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया, लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, आप बोलते रहिए हमारे साथ भारत माता की जय, और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका कुछ सुझाव तो कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बस सब्सक्राइब करके जाओ दोस्तों, हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।